नमस्कार दोस्तों, आज दिखाएंगे थर्मल ओवरलोड रिले कैसे काम करता है और इसका अंदर क्या क्या रहता है। तो देखिए, यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है, कहाँ स्टार्ट है, कहाँ एनसी पॉइंट है, कहाँ एनओ पॉइंट है। तो देख सकते हैं, ये लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, ये तीन टर्मिनल है जो कि मोटर में जा रहा है आउटपुट, ये रिसेट और ये स्टार्ट। और ये जो है इसमें रेंच है, मोटर का हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। और इधर एनओ एनसी है, जैसे ये 94 टर्मिनल है, एनओ पॉइंट है, ये हो गया 96 है, 90 ये 6 है, 97 है, 95 है और 98 है। ये जो 96 और 95 जो है वो एनसी टर्मिनल है और 98 जो है वो एनओ है। जब हीट से ट्रिप हो जाएगा, थर्मल ओवरलोड रिले जब ट्रिप हो जाएगा तो वो एनसी हो जाएगा और उसमें पावर आ जाएगा तो इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। और ये मैन्युअली ट्रिप, अगर मोटर को ट्रिप करना है तो मैन्युअली किया जा सकता है। अब इसके अंदर जो जो पार्ट्स रहता है वो दिखाएंगे। और ये हो गया मैन्युअली और ऑटो। अगर मैन्युअल में रहेगा तो रीसेट करना पड़ेगा, और अगर ये इस प्रेस करके रीसेट करना पड़ेगा, और ये अगर ऑटो में रहेगा तो ट्रिप करने के बाद ही वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। तो चलिए एक बार ड्राइंग देख लेते हैं इसका, जैसा कैसा ड्राइंग है। तो देख लिए, अब इसको थोड़ा खोल के समझाएंगे कि इसके अंदर क्या है और कैसे ये वर्क काम करता है। जब मोटर ट्रिप हो जाता है तो ट्रिप कैसे होता है, देखिए। ये मैं खोल लिया इसको, अब जो है ये मल्टीमीटर से अगर चेक करके बताते तो बढ़िया होता, तो वैसे भी आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे काम करता है। ये जो राउंड शेप का जो कॉइल की तरह दिख रहा है तीनों पॉइंट में, वो थर्मल हिसाब से है। जब हाई मोटर ट्रिप कर जाएगा हाई वोल्टेज में या हाई शॉर्ट सर्किट में ट्रिप हो जाए तो वो कट हो जाएगा। ट्रिप जब होगा तो कट नहीं होगा मोटर, ये शॉर्ट सर्किट के वजह से ये जो कॉइल है ये कट जाता है। जैसे इनपुट सप्लाई से राउंड होके आउटपुट में जाता है ये, और यही जब हीट होता है तो वो सेंस कर लेता है, तब मोटर ट्रिप हो जाता है। जैसे यहाँ से होते हुए इनपुट टर्मिनल में आउटपुट टर्मिनल में चला जाता है, फिर आउट इनपुट से कॉइल होते हुए आउटपुट में चला जाता है। ये भी तीनों टर्मिनल सेम टू सेम वैसे वर्क करता है। और इधर जो है, इधर एक सेंसर लगा रहता है, और जैसे ये जो लाल बटम देख रहे हैं, ये प्रेस करने से ये ट्रिप हट जाता है। तो ये सेंसर की वहाँ पे